साथियों आदाब, आपका इस्तकबाल हमारे चैनल शमय उर्दू हिंदी में। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए होम साइंस क्लास 12 NIOS का TMA, जो कि अक्सर बच्चों को ज़रूरत पड़ रही। उर्दू में कोई नहीं बनाता, तो मैंने सोचा आपके लिए तैयार कर दूँ। तो पहला सवाल है, दर्ज ज़ेल में से किसी एक सवाल का जवाब तकरीबन 40 से 60 अल्फाज में देना है। तो मैंने इसमें अलिफ कर दिया है, आपकी राय में होम साइंस किस तरह मेयारी ज़िंदगी गुजारने का फ़न और साइंस के तौर पर काम करती है। तो इसका जवाब आप लिखेंगे कि लफ्ज़ होम साइंस दो अल्फाज से मिलकर बना है, एक होम और दूसरा साइंस। लफ्ज़ होम साइंस का मतलब है रिहाइश की जगह जहां ख़ानदान के लोग रहते हैं, और साइंस का मतलब है ऐसी मालूमात जो हकाइक और उसूल पर खरी उतरती हो। इसी तरह आप ये सारी बातें लिख देंगे, इसी में से देख लीजिएगा, इंशाल्लाह उम्मीद है आप अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे ये है, इस तरह होम साइंस रोज़मर्रा की ज़िंदगी, आर्ट और साइंस दोनों। इस तरह हम रोज़मर्रा की मुख्तलिफ शोबों में साइंस और आर्ट का मुसलसल तालमेल देखेंगे। होम साइंस को ऐसी साइंटिफिक नॉलेज फराहम करती है और ऐसा सलीका पैदा करती है जिससे आप घर गृहस्थी को जिम्मेदारियों को बखूबी निभा सकें। इल्म की बुनियाद पर हासिल शुदा मालूमात को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बरतना ही हुनरमंदी कहलाता है। अब दूसरा सवाल है कि 10 ज़ेल में से किसी एक सवाल का जवाब तकरीबन 40 से 60 अल्फाज में दीजिए। अलिफ कर दिया मैंने, 0 से 5 साल के बच्चे की नशोनुमा के लिए 4 उसूल की फहरिस्त बनाएं। तो जो पहले उसूल ये 4 उसूल ये हैं। पहला उसूल है विरासी, यानी एक ऐसा अमल है जो बच्चे के तहत बच्चे की पैदाइश से पहले खूबियाँ और सिफात वालदेन से बच्चे की तरफ मुंतकिल की जाती हैं, यानी विरासत में मिलते हैं। माँ कबल पैदाइश माहौल, जब रहम मादर के अंदर माहौल, अगर माँ नाकिस गिज़ा इस्तेमाल करती है तो इसके अंदर यही है कि वो जो है दूसरा पॉइंट है माँ कबल पैदाइश वाला, कि उसकी जो है नशोनुमा, ऐसी सूरत में बच्चे की नशोनुमा नुकसान हद तक मुतासिर हो सकती है। तो ये पहले पेज पे दो सवाल आते हैं, आगे भी है इसका तीसरा पॉइंट, देख सकते हैं आप तीसरा पॉइंट, पेज नंबर ज़रूर डालना ऐसे, ठीक है। दूसरा तीसरा पॉइंट है ग़िज़ा, बच्चे की सेहतमंद इंतिका के लिए मुनासिब ग़िज़ा लाजमी है। नाकिस ग़िज़ा इस्तेमाल करने से बच्चों की नशोनुमा मुतासिर या धीमी हो सकती है। ज़हानत, आला ज़हानत तेज़ रफ्तार इरतका के लिए मुनासिब ग़िज़ा लाजमी है। नाकिस ग़िज़ा इस्तेमाल करने वाले बच्चे की नशोनुमा मुतासिर या धीमी हो सकती है। 10 ज़ेल में से किसी एक सवाल का जवाब तकरीबन 40 से 60 अल्फाज में दीजिए। किसी होटल में आरामदेह क़याम के लिए वहाँ हाउस कीपिंग से आप क्या तवक्कात होगी, या सुई धागे से तैयारशुदा पेंटिंग की कढ़ाई को तस्लीम किया जा सकता है, वजाहत कीजिए। तो इसका जवाब मैंने लिख दिया यहाँ पे, छोटा सा है, सुई धागे से तैयारशुदा पेंटिंग की कढ़ाई तस्लीम किया जा सकता है। कढ़ाई धागे या धागे को लगाने के लिए सुई का इस्तेमाल करके कपड़े या दीगर मवाद को सजाने का हुनर है। कढ़ाई में दीगर मवाद जैसे मोतियों की माला शामिल हो सकती है। जदीद दौर में सुई धागे से तैयार शुदा पेंटिंग आमतौर पर टोपिया, कोटों, कम्बलों, लिबास, कमीज़ों, डाइनिंग कपड़े जैसे में वॉल शर्ट्स पर नज़र आती हैं। कढ़ाई के धागे धागों के रंग के वसी अकसाम के साथ दस्तियाब हैं। इसके बाद जो है अगला सवाल है, यानी सवाल नंबर चार के अंदर है, 10 ज़ेल में से किसी एक सवाल का जवाब तकरीबन 100 से 150 अल्फाज में दीजिए। टाइम मैनेजमेंट की तारीफ बयान कीजिए। अपने पूरे दिन के लिए एक वक्त का मंसूबा बयान कीजिए। ये स्कीम आपकी तवानाई के तहफ़ में कैसे मददगार साबित होगी। वक्त का प्लान, टाइम मैनेजमेंट, वक्त और मेहनत की बंदोबस्त में ये ज़रूरी है कि हम अपने अंदर वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल की आदत डालें, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने जो है टाइम मैनेजमेंट का एक करके दिखाया, यानी इसी में यही है अभी, यानी टाइम, थोड़ा सा मैं इसे जूम करूँगा आपके लिए, यानी टाइम प्लानिंग बनाने की आदत, ये टाइम प्लान कहा जाता है। टाइम तमाम सरगर्मियों को उसके लिए मुतय्यन वक्त का अंदराज सर अंजाम देने की पेशगी मनसूबाबंदी टाइम प्लान। टाइम प्लान दिन के किसी हिस्से के लिए भी हो सकता है, पूरे दिन के किसी हिस्से के लिए भी हो सकता है, पूरे दिन का भी हो सकता है, एक हफ्ते, एक करोड़, एक महीने या एक साल का भी हो सकता है। थोड़े वक्त का टाइम प्लान यूं ही दिमाग में सोच लिया जाता है, इसका तहरीरी होना ज़रूरी नहीं, मगर जो प्लान लंबी मुद्दत का होता है वो अमूमन तहरीर की शक्ल में होता है। एक छोटा सा टाइम टेबल का मैंने प्लानिंग बनाई है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले इसके अंदर सुबह क्या करना है,
जागना, फरागत पाना, टूथपेस्ट करना, फिर 15 मिनट बाद चाय बनाना, फिर उसके 6 से 7 बजे नाश्ता, टिफिन और लंच तैयार करना, 7 से 7 बच्चों के लिए स्कूल की तैयारी होना, 7:30 दफ्तर जाने के लिए तैयार होना, 8 से 8:15 नाश्ता करना, 8 से घर बंद करके दफ्तर जाना। इस तरह से आप बना के दिखा देंगे। काम में आसानी पैदा करने के तरीके। काम करने की जगह को आरास्ता और मुनज़्ज़म रखें। अब आप समझ चुके होंगे कि अगर काम करने के दौरान आप सभी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाए तो उसका उससे काम क्या होगा। काम आपका वक्त और मेहनत दोनों की बचत होगी। मेहनत बचाने का तरीका, वॉशिंग मशीन, मिक्सी और फूड प्रेशर के इस्तेमाल से मेहनत और वक्त दोनों को बचा सकते हैं। प्रेशर कुकर, ठीक है, पिलर, चपाती मेकर, स्क्रे गन, वैक्यूम क्लीनर वगैरह, जिससे काम आसान हो जाते हैं और मेहनत कम लगती है। काम के दौरान नकल व हमल के मुनासिब इस्तेमाल से आप कम थकेंगे और वक्त भी बचेगा। काम की तरकीब में तब्दीली। हर काम एक मुनासिब तरकीब के साथ किया जाए तो उसमें आसानी पैदा होगी। मिसाल के तौर पर कपड़ों पर इस्तरी करनी हो तो इस्तरी करने से पहले सभी कपड़ों को पानी छिड़क कर इस्तरी करें और उसको इस तरह एक के बाद एक दूसरे कपड़े को लें। इससे ज़्यादा वक्त मिलेगा उठने बैठने का ध्यान रखें। अगर आप काम करने में उठने बैठने का मुनासिब अंदाज इख्तियार करती हैं तो इससे वक्त और मेहनत भी बचेगी। मिसाल के तौर पर आप खड़े होकर खाना पकाएं तो कम थकेंगी, फर्श पर बैठ के पकाने से ज़्यादा थकेंगी। अब अगला सवाल है, 10 ज़ेल में से किसी एक सवाल का जवाब देना है 100 से 150 अल्फाज में। जैसे अलिफ कर दिया मैंने, मुख्तलिफ कपड़े ظاہری شکل خصوصیات ان کی دیکھ بھال کے اختیار بتانے، انفرادیت کو آپ سال تقدیم، مختلف قسم کے کپڑوں کے ذریعے مثال۔ تو دیکھیے اس میں جو ہے 150 سے 100 سے 150 الفاظ کے بیچ آپ کو کرنا ہے اور بہت ہی صفائی کے ساتھ کرنا ہے۔ نئے سرے سے بحال کرنے اور لٹکا بنانے کا طریقہ، روٹین اور اسپلیٹنگ، دھلائی اور صفائی، کرکے سے حاصل ہونے والے خاکستری کپڑوں میں فطری طور پر ढेर सारी गंदगियाँ जम जाती है। साबुन के महलूल और केमिकल की मदद से तमाम कपड़ों को साथ के साथ किया जाता है। वाटर प्रूफिंग, जब कपड़ों को कोरिन कॉट, छतरी और तिरपाल वगैरह के तौर पर इस्तेमाल, उससे वाटर प्रूफिंग की सलाहियत पैदा करने के लिए केमिकल्स की मदद से मखसूस अमल किया जाता है। उसके बाद है छलनी नुमा। क्या आपने ऑरेंडरी कपड़े कुछ महसूस किया? जी हाँ, सख्त लेकिन पतले। मजीद ये कि वॉश एंड वेयर वाले भी कपड़े होते हैं। आप जानते हैं कि सूती कपड़े इस्तेमाल के दौरान बुरी तरह शिकन पड़ जाते हैं। वॉश एंड वेयर के फेश इस्तेमाल करके सूती कपड़ों की देखभाल की जा सकती है। इसमें बार बार इस्तरी करने की ज़रूरत नहीं होती और सिलवटें भी नहीं पड़ेंगी। ये फैशन बहुत टिकाऊ होता है। डाइनिंग एंड प्रिंटिंग, बाज़ार में आज सफ़ेद कपड़ों के अलावा प्लेन कलर्स, रंगीन डिज़ाइन कपड़े भी देखते हैं डाइनिंग। अब छठा सवाल है इसके अंदर कि 10 ज़ेल में से किसी एक पर प्रोजेक्ट तैयार करें। तो यहाँ पे जो है मैंने अलिफ पे प्रोजेक्ट तैयार करा है। पहला सवाल जो अलिफ है वो यही है कि आपने खुराक में गज़ाई अज्जा की अहमियत के बारे में बताएं, लिहाजा 10 ज़ेल का जवाब दें। गज़ाई अज्जा क्या है? स्कूल जाने वाले बच्चों को कौन सी गज़ाई अज्जा की ज़रूरत पड़ती है? स्कूल में पढ़ने वाले किसी बच्चे का नाश्ता बनाने की तरकीब या खाना पकाने का क्या तरीका होना चाहिए जो उसकी खुराक में गज़ाई अनासर का तहफ़ फ़ायदेमंद? तो इसका जवाब भी मैंने आपके लिए निकाल के रख दिया है और काफ़ी आसान भी है। गज़ाई अज्जा न्यूट्रेंट दो किस्म के होते हैं, तग़ज़िया, कुदरती तग़ज़िया। अच्छी सेहत के लिए माइक्रो न्यूट्रेंट दोनों ज़रूरी हैं, जिस्म की परवरिश में दोनों का अहम रोल है। ये गज़ाएँ बड़ी मकदार में मौजूद हैं और ये सारी बातें आप इसके अंदर लिख देंगे। मैं अब आपको पढ़ के क्या सुनाऊँ, दिखी रहा है तो आप उतार नहीं तो आपको समझना तो है नहीं, तो आप इसी में से उतार दिए। अगले में भी थोड़ा सा है, ये भी आप उतार लिए। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे पास दोनों बुक होम साइंस की अवेलेबल हैं। अगर आपको पढ़ना चाहते हैं तो मैंने वीडियोज़ बना दिए, आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। प्लीज़ चैनल से जुड़े रहें। आपको असाइनमेंट की PDF वगैरह चाहिए, प्रैक्टिकल की PDF चाहिए तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के शुरू में मेरा नंबर है। शुक्रिया।